पिछले साल जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई 370 को हटाने के बाद, उसके बाद ये पहली बार है जब लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। और मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो ना कि सिर्फ सोगाम लोलाब में बल्कि रियासत के हर, जम्मू कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमारी अलायंस है पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन, उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करें। क्योंकि अगर सोचने वाली बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातें जो कि एक दूसरे के पॉलिटिकल मुखालिफ थे, जो कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ लड़ते हुए आते थे, अगर उन लीडरान ने ये फैसला लिया है कि आज हम अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स को साइड में रख के मिलजुल कर एक साथ होकर एक बड़ी लड़ाई लड़ें, तो मुझे लगता है लोगों को भी और इंशाल्लाह लोग देंगे भी उसको ताकत देना चाहिए। हर उस ताकत के खिलाफ है जो हमारी कौम को, हमारी स्टेट को, हमारी रियासत को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। और आज हमें मिलकर उस साजिश के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और इसीलिए मैंने आज फॉर्म भरा है और मैं शुक्रगुजार हूँ गुपकार अलायंस का, जो हमारी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं ये इलेक्शन में खड़ा हो सकूं, लड़ूं और इंशाल्लाह जीत के कामयाब होकर वापस आऊं। मुझे बताया कि वोट इलेक्शन में खड़ा होना ही लोगों की वजह से है। मैं ज़ाती तौर पे नहीं उठना चाहता था, लेकिन हमारे जो सपोर्टर हैं, लोग हैं, उन्होंने मुझसे कैसर साहब से ये गुजारिश की कि नहीं, नासिर साहब को ही उठाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, मौका आ गया है कि एजुकेटेड यंगस्टर्स को, नौजवानों को आगे बढ़ के ये जो कमी है, कि जो गैप है, ये जो ग्रास रूट लेवल सतह की जो पोजीशन है, ये फिल करें, ताकि जो ये गैप आया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, लोगों के बीच, वो गैप फिल करने के लिए। और ये वाले इलेक्शंस खास तौर पे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई 370 को हटाने के बाद, उसके बाद ये पहली बार है जब लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। और मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो ना कि सिर्फ सोगाम लोलाब में बल्कि रियासत के हर, जम्मू कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमारी अलायंस है पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन, उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करें। क्योंकि अगर सोचने वाली बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातें जो कि एक दूसरे के पॉलिटिकल मुखालिफ थे, जो कि सारी जिंदगी एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के खिलाफ लड़ते हुए आते थे, अगर उन लीडरान ने ये फैसला लिया है कि आज हम अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स को साइड में रख के मिलजुल कर एक साथ होकर एक बड़ी लड़ाई लड़ें, तो मुझे लगता है लोगों को भी और इंशाल्लाह लोग देंगे भी उसको ताउन देना चाहिए।